प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रखी हुई है, उसका मकसद ये है कि पिछले दिनों 25 जुलाई को एक ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकलता है कि जितने भी आरटी बॉर्न टीचर हैं जो ट्रांसफर हुए हैं, उन सब लोगों को अपनी अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वापस भेजा गया है, जिसके हम बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं, जिसके खिलाफ आज हमारी प्रेस वार्ता है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स को दरकिनार करके ये ऑर्डर निकाला गया है। ये ट्रांसफर्स 2014 में गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 469 के तहत हुई थी, और उसके बाद कई लोगों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट से भी सिंगल बेंच का फैसला भी हमारे फेवर में आया, डिविजन बेंच का जो डिसीजन है वो भी हमारे फेवर में आया है, इवन के कैट में 2021 का भी फैसला जो है वो हमारे फेवर में आया है। उन सारे ऑर्डर्स को सुपरसीड कर ये ऑर्डर निकाला गया है, जो हम कहते हैं कि हरासमेंट करने वाला ऑर्डर है। एक टीचर को आप किस तरह से बाधित कर सकते हैं कि वो पूरा लाइफ टाइम या पूरा सर्विस टाइम एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करेगा, क्योंकि आरटी स्कीम में ऑर्डर नंबर 396 में ये कहीं नहीं लिखा था कि ये लोग जो है आपका रेगुलराइजेशन ट्रांसफर नहीं होंगे। हम ये मानते हैं कि पहले 5 साल जब रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, एज ए आरटी जो है वो ट्रांसफर क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर रेगुलराइजेशन एज जेन्युइन टीचर, तो हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनती है, और ट्रांसफरेबल हमारी सर्विसेज को कोर्ट ने किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि आज आप हमें स्कूल स्पेसिफिक कहते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है, तो आरटी टीचर को कहीं से भी उठा के किसी भी स्कूल में जो है वो डिप्लॉय किया जाता है। गांव के दूर दराज स्कूलों में आप चले जाएं, जितने भी हाई सेकेंडरीज आपको मिलेंगे, हाई स्कूल जो मिलेंगे, ज्यादातर स्कूलों में हमारे आरटी टीचर्स ऑन डिप्लॉयमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टीचर्स ही नहीं है। कश्मीर में आप चले जाएं, बड़े सारे स्कूल, मैक्सिमम स्कूल जो है वो आरटी टीचर्स चलाते हैं। समर कैंप्स जितने यहाँ हुए वो आरटी टीचर्स चलाते हैं। आपके बीएलओ 90% बीएलओ जो है वो आरटी बॉर्न टीचर्स हैं। सेंसस ड्यूटी में आप उनको लगाते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज में आप लगाते हैं, जिस तरह के सर्वेज होते हैं वो सारे सर्वेज जो है वो आरटी टीचर्स करते हैं, वहां आप डिप्लॉय उनको करते हैं। कोविड जब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर पे नहीं जाता था, उस वक्त आरटी टीचर ने घर घर में जाके सर्वे किया है, घर घर से जाके इन्फॉर्मेशन ली है, और यहाँ से उठ के इवन अखनूर से उठ के लखनपुर में जाके जो वो प्रवेश द्वार जो लखनपुर है वहां पे काम किया हुआ है, और जब अप्रिशिएट करने की बारी आती है तो अलग वो अप्रिशिएट ना करके अलग अलग तरह के ऑर्डर्स निकाल के हमिनेट और हरास हमें किया जाता है, जिसके खिलाफ जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी लड़ाई लड़ेगी, और तब तक लड़ेगी जब तक डिग्निटी जो है, जब हमारी डिग्निटी पे बात आएगी, हम हर एक उस ऑर्डर का विरोध करेंगे जो ऑर्डर हमें डिफेंड करने के लिए निकलेगा। हम ये कहते हैं कि यहाँ ट्रांसफर्स ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स हुई है, ऑन मैरिज ग्राउंड्स हुई है, ऑन हेल्थ ग्राउंड्स हुई है, आप एक ही ऑर्डर से उन सारी ग्राउंड्स को दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप एक ही ऑर्डर से उन लोगों को एकदम से वापिस भेज रहे हैं। आपने उनको ये नहीं पूछा कि आप किस ऑर्डर के तहत ट्रांसफर हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट थी, जो ऑर्डर 469 निकला है उस टाइम भी कोई कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उस टाइम भी कोई गवर्नमेंट थी, वो ऑर्डर निकला, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ, उस ऑर्डर के तहत ये हमारे लोग जो है ट्रांसफर हुए। आज एक ही ऑर्डर निकाल के उन लोगों को वापिस भेजा जाता है, जो बिल्कुल मैं कहूंगा अन्याय हमारे साथ है, और उस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। क्योंकि आरटी टीचर जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब हमारे करीबन 700 के करीब करीब हमारे स्कूल जो है वो बंद थे, जिन बंद पड़े स्कूलों को हम लोगों ने खोला है, और आज हमें अप्रिशिएट करने के बजाय अगर डीफेम हरास किया जाएगा, उस हरासमेंट के खिलाफ जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो हम ट्रांसफर पॉलिसी मान रहे हैं, हम ये मांग कर रहे थे कि एक कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, जो टीचर अपॉइंट जिस तरह से भी हुआ है, जब वो रेगुलराइज हो जाता है जनरल टीचर, फिर किस तरह से आप उसके साथ बिहेव कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच आपकी किस तरह से हो सकती है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। हमारी डिमांड भी थी, और गवर्नमेंट ने भी कई बार माना कि आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, वो ट्रांसफर पॉलिसी ना बना के जो लोग ऑलरेडी ट्रांसफर हुए थे गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत, उन लोगों को भी वापस भेज के एक गवर्नमेंट की जो इच्छा है, मनोइच्छा जो है वो उन्होंने व्यक्त की है, जो कि हमें लगता है वो बिल्कुल हमारे खिलाफ है। हम आपके माध्यम से आज दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को जो है वो आप रिमूव करें, दोबारा से रिकंसिडर करें, ताकि जो हमारे स्कूल्स हैं आज हमारे जो जम्मू प्रोविंस के कश्मीर में, क्योंकि विंडो जोन का हवाला देके आपने इस ऑर्डर को विड्रॉ किया है, लेकिन जम्मू में हमारे 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट
ऐसे है यहाँ पे इंटर जोन है, वहां पे मिड सेशन है, तो वहां ये ऑर्डर किस तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। बाकी जो हमारे समर जोन भी है वहां भी 4 से 5 महीने का सेशन हमारा चल रहा है, तो उसको भी आप मिड सेशन कैसे नहीं मान सकते, वहां भी बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफर होगी। ये सिर्फ टीचर का ही मसला नहीं है, उन गरीब बच्चों का भी मसला है जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें लगाया गया है। तो मैं दोबारा उनसे गुजारिश करूंगा कि इस ऑर्डर को रिकंसिडर करके इसको रिवोक करें, ताकि हम चिंता मुक्त होकर उन बच्चों को पढ़ा पाए जिन बच्चों की पढ़ाई पिछले 3 सालों से प्रभावित है, चाहे पहले कोई और हालात रहे हो या 2 साल का कोविड का असर रहा हो। आज जुम्मा जुम्मा स्कूल खुले हैं और हमारे टीचर जो है वो पूरी मेहनत के साथ पूरी शिद्दत के साथ उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन एक नया फरमान जारी करके आपने टीचर्स को एक असमंजस की स्थिति उनके दिमाग में पैदा की है, जो वो स्थिति उन टीचर्स को उन स्कूलों में पढ़ाने नहीं दे रही, जिसका सीधा से सीधा प्रभाव जो है वो बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। और साथ ही मैं आज जी महोदय से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इसमें पर्सनली इंटरवेन करके जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को देखते हुए और हमारी जेन्युइन डिमांड को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी हमारे हक में जो है वो लागू की जाए, और ये जो ऑर्डर निकला है इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए।